सीरीज सम के सीक्वेंस में हम लोग सीरीज का सम फाइंड कर रहे हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग की सीरीज में ये दूसरा चैप्टर है जिसमें हम लोग सीरीज के सम्स को फाइंड कर रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने साइन सीरीज, कोसाइन सीरीज, पेट्रोल वाली सारी सीरीज हम लोगों ने देखा। आज हम लोग कुछ और सीरीज देखते हैं, जैसे कि ये वाला है। सीरीज को अगर हम री राइट करें, सो दिस इज 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 -2 अपॉन फैक्टोरियल 3 +3 अपॉन फैक्टोरियल 5 -4 अपॉन फैक्टोरियल 7 एंड सो ऑन सो फॉर। इस सीरीज में हम लोग देख रहे हैं कि जो ऑल्टरनेट टर्म्स हैं वो नेगेटिव हैं। पहला ऑब्जर्वेशन हमारा इसमें ये है। सेकंड ऑब्जर्वेशन ये है कि ये न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर जो हम फॉर्म कर रहे हैं, उसमें न्यूमरेटर में जो वैल्यू है वो नेचुरल नंबर की तरह से आगे बढ़ रही है, मतलब कि 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन सो फॉर। और जो डिनोमिनेटर हमारा है उसमें ऑड टर्म्स का हम फैक्टोरियल फाइंड करेंगे, ऑड टर्म का फैक्टोरियल। इस सीरीज का सम फाइंड करने के लिए हम एक टास्क कर सकते हैं कि जो पहला टर्म है उसको हम फ्रीज कर देते हैं। जो पहला टर्म है वो हमारा 1 हो गया। सेकेंड टर्म ऑनवर्ड्स हम फाइंड करते हैं। सेकेंड टर्म ऑनवर्ड फाइंड करने के लिए हमें एक साइन लेना पड़ेगा। साइन को अगर हम +1 से इनिशलाइज कर दें और लूप के अंदर हर बार इसको -1 से मल्टीप्लाई करके अपडेट करें, तो ये हमारा साइन चेंज होता रहेगा। ऑल्टरनेटिवली हम साइन को चेंज करते रहेंगे। इसके अलावा अगर हम ये देखें कि ये जो पहला टर्म है वो 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 है, इसको हम कैसे फाइंड करें। अगर हमने ये माना है कि आई की वैल्यू हमारी 1 है लूप के अकॉर्डिंग, तो हम ये कह सकते हैं कि जो न्यूमरेटर की वैल्यू है वो i+1 है, और डिनोमिनेटर को फाइंड करने के लिए हमें फैक्टोरियल फाइंड करना पड़ेगा। और मान लेते हैं कि डिनोमिनेटर अगर DEN है और उसको हमने 1 से इनिशलाइज किया है, तो हम कह सकते हैं कि डिनोमिनेटर को नेक्स्ट फैक्टोरियल वैल्यू फाइंड करने के लिए करंट डिनोमिनेटर और 2i एंड 2i+1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसका मीनिंग क्या है कि अगर आई की वैल्यू 1 है तो हम 2 और 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सो 1 × 2 × 3 विल गिव अस फैक्टोरियल 3। सिमिलरली अगर हम लोगों ने मान लिया कि आई की वैल्यू 2 है, तो करेंटली हमारे पास फैक्टोरियल 3 अवेलेबल है, और इसमें 2i मतलब 4 एंड 2i+1 मतलब कि 5 मल्टीप्लाई करेंगे, सो दिस विल गिव अस फैक्टोरियल 5। सो आई थिंक हम लोगों ने सोल्यूशन फाइंड कर लिया है। एक बार फिर से हम एक चेक कर लेते हैं कि सम को 1 से इनिशलाइज करना है, न्यूमरेटर को 1 से इनिशलाइज करना है, डिनोमिनेटर को भी 1 से इनिशलाइज करना है, और इसके बाद हमें क्या करना है कि न्यूमरेटर को हर बार फाइंड करना है, डिनोमिनेटर को हर बार फाइंड करना है, और साइन को हर बार चेंज कर देना है। साइन को हमने जो इनिशलाइज किया है वो 1 से इनिशलाइज किया है। पहला टर्म नेगेटिव है, इसका मतलब क्या है कि हमें सबसे पहले साइन इज इक्वल्स टू साइन -1 करना पड़ेगा, जिससे कि ये जो वर्क हो रहा है मेरा लूप में होगा। और अगर हमसे कहा गया कि हमें एन टर्म्स फाइंड करने हैं, तो n-1 तक ही इस लूप को चलाएगा, क्योंकि हमने पहले टर्म को पहले ही फ्रीज कर दिया है। आई की वैल्यू 1 है और हमने साइन को नेगेटिव बना दिया है पहले टर्म के लिए। फिर न्यूमरेटर में हमें क्या करना है, न्यूमरेटर में हमें i+1 लेना है, और डिनोमिनेटर में हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर में फैक्टोरियल वैल्यू फाइंड करना है। इसलिए करंट डिनोमिनेटर मल्टीप्लाइड विथ 2y एंड देन मल्टीप्लाइड विथ 2i+1। इसके बाद सम इज इक्वल्स टू सम प्लस साइन मल्टीप्लाइड विथ न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। फाइनली हम इस सम को प्रिंट करते हैं, तो आइए इसको कोड करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे एक नंबर ऑफ टर्म्स यूजर से इनपुट कराने हैं। नंबर ऑफ टर्म्स इनपुट कराने के बाद हमें एक साइन लेना है जिसको +1 से इनिशलाइज कर सकते हैं, आप -1 से भी इनिशलाइज कर सकते हैं, लेकिन -1 से इनिशलाइज करने का मतलब क्या है कि जब आप टर्म फाइंड कर लेंगे देन आप इसको -1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा। नाउ साइन हमने फाइंड कर लिया, अब न्यूमरेटर ले लेते हैं। न्यूमरेटर एक इंटीजर वैल्यू है, और डिनोमिनेटर हम फाइंड कर लेते हैं, डिनोमिनेटर हमारा वो भी इंटीजर वैल्यू है। लेकिन एक समस्या ये आएगी कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर करने से यहाँ पे जो वैल्यूज आएंगी वो फ्लोट में आनी चाहिए, इसलिए हमें इनमें से किसी एक वैल्यू को हमें फ्लोट बनाना पड़ेगा। तो आइए हम न्यूमरेटर को फ्लोट बना लेते हैं।
फिर हमें एक सम चाहिए, सम भी फ्लोट में आएगा, तो हमने सम को फ्लोट में ले लिया और पहले टर्म को इसमें सम में डाल दिया। फिर रन करते हैं अपना लूप, अगर हमें एन टर्म्स फाइंड करने हैं तो लूप हमारा एन माइनस वन टाइम्स रन करेगा, क्योंकि पहला टर्म हमने ऑलरेडी सम में फ्रीज कर लिया है। सबसे पहले साइन अपडेट करते हैं, साइन इज इक्वल टू साइन मल्टीप्लाइड विद माइनस वन, देन न्यूमरेटर अपडेट करते हैं, न्यूमरेटर विल बी इक्वल्स टू आई प्लस वन, डिनोमिनेटर अपडेट करते हैं, डिनोमिनेटर विल बी इक्वल्स टू करंट डिनोमिनेटर मल्टीप्लाइड विद टू इंटू आई एंड देन मल्टीप्लाइड विद टू इंटू आई प्लस वन, देन सम इज इक्वल्स टू सम प्लस साइन मल्टीप्लाइड विथ न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। सब कुछ हमने वर्क कर लिया है, अब हमें केवल सम को प्रिंट करके देखना है। फाइन, एक काम आप और भी कर सकते हैं कि सम को आप ग्रोइंग ग्रोइंग सम की तरह से भी देख सकते हैं, कि एक बार आपने सम प्रिंट किया, सम आपने फाइंड किया तो उसको प्रिंट करके देख लीजिए। तो आइए इसको एक काम ये भी कर लेते हैं, इस ग्रोइंग सम की तरह से हम इसको देखते हैं कि हर टर्म में किस तरह से ये ग्रो कर रहा है। अपनी सुविधा के लिए हमने इसमें स्पेसेस लगा दिए हैं और फाइनल सम को प्रिंट करने के लिए एक न्यू लाइन में हम सम को प्रिंट करते हैं। तो रिव्यू कर लेते हैं अपने कोड को, एन इनपुट करा लिया है नंबर ऑफ टर्म्स, साइन को इनिशलाइज किया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर एंड देन सम ले लिया, लूप एन माइनस वन टाइम्स चलाया क्योंकि पहला टर्म हमने ऑलरेडी फ्रीज कर लिया है, साइन को अपडेट किया, न्यूमरेटर को अपडेट किया, डिनोमिनेटर में फैक्टोरियल वैल्यू फाइंड किया एंड देन हमने फार्मूला में यहाँ पे इसको फिट कर दिया, सम इज इक्वल्स टू सम प्लस साइन मल्टीप्लाइड विद न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। ग्रोइंग सम प्रिंट करने के लिए हमने लूप के अंदर ही सम को प्रिंट कर दिया। आइए रन करके देखते हैं इसको। तो मान लेते हैं कि जो नंबर ऑफ टर्म्स हमें प्रिंट करने हैं वो 5 प्रिंट करने हैं, तो ये हमारा ग्रोइंग सम है, छोटी छोटी वैल्यू सब्सट्रैक्ट होती चल रही है। फाइन, तो इस तरह से हमने इस सीरीज का सम प्रिंट कर लिया। हमारे टास्क में एक और सीरीज है, उसको भी देख लेते हैं जल्दी से। तो जो सीरीज है वो है 1 × 2 × 3 प्लस 2 × 3 × 4 प्लस 3 × 4 × 5 प्लस 4 × 5 × 6 एंड सो ऑन सो फोर्थ। किसी भी nth टर्म को हमने इस तरह से फाइंड किया, इसमें ऑलरेडी गिवन है कि nth टर्म हमारा होगा n इंटू एन मल्टीप्लाइड विथ 1 प्लस एन मल्टीप्लाइड विथ 2। इसमें तो सिंपली हमें यही करना है कि सम इज इक्वल्स टू सम प्लस एन मल्टीप्लाइड विथ एन प्लस 1 मल्टीप्लाइड विथ एन प्लस 2, केवल यही हमें कर देना और हमारा आंसर आ जाएगा, लास्ट में सम को प्रिंट कर देना। लूप लगाना है, लूप को एन टर्म्स तक चला देना है। फाइन, सम को यहाँ पर हम कैसे इनिशियलाइज करेंगे, सम को हम इनिशियलाइज करेंगे 0 वैल्यू से, क्योंकि पहली वैल्यू से ही इसमें इंक्लूजन शुरू करते हैं, फाइनली लास्ट में आप इस सम को प्रिंट कर सकते हैं। तो आई होप आपके समझ में आया होगा ये सीरीज, यहाँ पे हम लोग फिनिश करते हैं और इस सीरीज में आगे हम लोग पैटर्न डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।